वेलकम बैक दोस्तों। गाइस, बात कर ली हमने इंडेक्स फंक्शन की, अब हम बात करते हैं मैच फंक्शन की। इंडेक्स और मैच फंक्शन में डिफरेंट क्या है दोस्तों? हम इंडेक्स फंक्शन में बताते हैं कि इस नाम का बंदा, सॉरी, हमारे इस रो का बंदे का नाम क्या है। हम इंडेक्स फंक्शन में ये पता करते हैं कि सपोज मेरे 10th नंबर की रो पे कौन सा एम्प्लॉय काम करता है, उसका नाम बता दीजिए या उसकी एम्प्लॉयमेंट आईडी बता दीजिए। जो हम उनसे पूछते हैं वो बता देता है दोस्तों। लेकिन मैच में दोस्तों हमारा किस टाइप से काम करता है मैच फंक्शन? मैच फंक्शन दोस्तों हम एम्प्लॉय का नाम देते हैं या एम्प्लॉय की आईडी देते हैं, उससे पूछते हैं कि ये कौन से नंबर की रो पे काम करता है दोस्तों। कंप्लीटली अपोजिट फंक्शन है दोस्तों। तो सिंपली हम इसे ट्राई करते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर मुझे अप्लाई करना है अपना मैच फंक्शन। तो सिंपली इस ब्लॉक के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंस में मेरे को फाइंड करना है मैच। अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे इंसर्ट फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करके आप मैच फंक्शन ढूंढ सकते हैं दोस्तों। तो मैच फंक्शन दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने खुल चुकी है फंक्शन आर्गुमेंट की विंडो। तो गाइस, जैसे कि हमने इंडेक्स फंक्शन की विंडो देखी थी, लगभग अप्रोक्सीमेट दोनों सेम है। थोड़ी इसमें वैल्यू ऊपर नीचे हो गई है, बाकी ओवरऑल ये सेम है दोस्तों। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हमसे पूछा गया है कि हमें किस वैल्यू का हमें रो नंबर फाइंड करना है दोस्तों। तो सपोज दोस्तों मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 1016, मतलब इसका जो ब्लॉक नंबर है वो है A20। तो 1016 का मुझे फाइंड करना है कि वो कौन से नंबर की रो पे काम करते हैं। तो हमें फाइंड किस में करना है दोस्तों? लुकअप एरे में। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। लुकअप एरे मेरे को इस लिस्ट में से फाइंड करना है दोस्तों। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है मैच टाइप। तो ये भी ऑप्शनल है दोस्तों, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इसमें ट्रू लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन मिल जाती है, मैच टाइप इज ए नंबर 1 0 और -1 इंडिकेटिंग विच वैल्यू टू रिटर्न दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों 1, हमारे पास एक मैच हुआ है इसका, तो ओके ट्रू एंड मैं कर देता हूँ ओके। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है 1016, उसका नंबर है दोस्तों, वो काम करता है 17th नंबर ऑफ रो के ऊपर दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन से नंबर की रो के ऊपर हमारा ये एम्प्लॉयमेंट काम करता है दोस्तों। इंडेक्स फंक्शन का जो कम्प्लीटली अपोजिट है, इंडेक्स फंक्शन में हम पूछते हैं कि इस नंबर की रो पे कौन सा एम्प्लॉयमेंट काम करता है, कौन सा बंदा काम करता है, उसका नाम बताइए। मैच में दोस्तों हम नाम सामने से देते हैं कि ये नाम का बंदा कौन से पोजीशन पे, कौन से नंबर ऑफ रो पे काम करता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चला हो कि मैच फंक्शन कैसे काम करता है। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली क्लास में।